हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसी टेक, जहां पर आपको मिलता है सॉल्यूशन आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये जो SFS होता है, ठीक है, ये SFS का स्नैपचैट में आखिर क्या यूज़ होता है। जैसे कि SFS का मोस्टली यूज़ हम लोग यूट्यूब के लिए करते हैं कि सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब के लिए हम लोग SFS शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम में हम लोग फॉलो पर फॉलो करते हैं, वैसे ही स्नैपचैट में SFS का यूज़ है, स्नैप फॉर स्नैप। इसका एक और यूज़ भी है, ठीक है, शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट भी है, जिसमें आप लोग इस स्नैपचैट में SFS का यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आप लोग किसी को शॉर्ट आउट देना चाहो तो उसमें भी SFS कर सकते हो। और किस तरीके से आप लोग अपने किसी फ्रेंड को SFS बोलोगे स्नैप फॉर स्नैप के लिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैं अपनी ही प्रोफाइल बेक खोल लेता हूँ और अपने को ही मैसेज करके आपको बताता हूँ कि कैसे SFS भेजना है। यहाँ पर मैंने एक स्नैप लिया, उसके बाद मैं टेक्स्ट में गया और SFS मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि मैं उसको स्नैप फॉर स्नैप के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे लोगों से बात करके हम लोग अपनी स्नैप स्ट्रीक वो स्नैप स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है SFS का, जो कि आप लोग इस तरीके से अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे शेयर करके कर सकते हो। और दूसरी चीज़ एक और है, जो कि हम लोग एक दूसरे को शॉर्ट आउट देते हैं स्टोरी में, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको स्नैप क्लिक कर लेना है, ठीक है, स्नैप क्लिक करने के बाद वहाँ पर टेक्स्ट में जाके आपको @ लगाना है और जिस भी फ्रेंड को आपको शार्ट आउट देना है उसका नाम @ के बाद टाइप कर देना है। मैं यहाँ पे किसी फ्रेंड को शार्ट आउट नहीं देना चाहता हूँ, आपको दिखाने के लिए बस मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टीम स्नैपचैट लिख के दे देता हूँ कि इस तरीके हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे स्टोरी के ऑप्शन में क्लिक करके उस बंदे की जो भी @ जो भी प्रोफाइल है उसको आप अपनी स्टोरी में पोस्ट कर सकते हो, ताकि उस बंदे को शार्ट आउट मिल जाए और यही सेम चीज़ वो भी अपने साथ आपके लिए कर देगा। तभी वो होता है शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट, यानी कि आप जब उसको शॉर्ट आउट देंगे तो वो आपको दे देगा।